लेट्स डू क्वेश्चन नंबर थर्टी वन ऑफ एक्सरसाइज सेवनटीन बी वॉल एंड सर्फिस एरिया ऑफ सॉलिड क्वेश्चन नंबर थर्टी वन इज इन अलेज अ वेल विथ टेन मीटर इनसाइड डाया मीटर इज डक फोर्टीन मीटर डीप वो कह रहे हैं एक विलेज में टेन मीटर जिसका डाया मीटर है वो वेल खोदा गया जो कि चौदह मीटर डीप था अर्थ टेकन आउट ऑफ इट इज स्प्रेड ऑल अराउंड टू अ विर्थ ऑफ 5 मीटर टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट हमने अर्थ जो निकाली वो चारों तरफ स्प्रेड कर दी गई जिसकी विर्थ थी फाइव मीटर हमने एम्बैंकमेंट बना दिया एम्बैंकमेंट होता है एक काइंड की दीवार रिवर के पानी को रोकने के लिए फाइंड द हाइट ऑफ एन एम्बैंकमेंट हमें हाइट निकालनी है एम्बैंकमेंट की वॉट वैल्यू ऑफ द विलेजर इज रिफ्लेक्टेड हेयर और यहाँ पे क्या वैल्यू विलेजर्स की रिफ्लेक्ट हो रही है वो बताना है अब वो कह रहा है एक विलेज में एक वेल well है जिस जो टेन मीटर का है और डाया और कितना डीप है फोर्टीन मीटर तो ये देखिए ये एक वेल well है ये वेल well है जिसका डाया हमें दे रखा है टेन मीटर और हमें हाइट दे रखी है फोर्टीन मीटर राइट अब इसके चारों तरफ वो कह रहा है यहाँ पे ऊपर की साइड एक एम्बैंकमेंट चारों तरफ एम्बैंकमेंट का मतलब होता है मिट्टी का ढेर लगा दिया गया है जिससे कि वेल का पानी बाहर ना जा सके तो समझिए कि ये यहाँ पे ऐसे चारों तरफ लगा दिया गया है तो हमें ये निकालना है क्या निकालना है हमें निकालना है फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट कि ये ढेर जो लगाया गया है वो कितना ऊँचा लगाया गया है कैसे निकालेंगे सबसे पहले हमें इसका वॉल्यूम पता होना चाहिए कि कितनी मिट्टी निकली उतनी मिट्टी चारों तरफ लगाई गई है राइट right? तो हमारा डायमीटर कितना है जो जो दिया हुआ है वो वो लिख लेते हैं डायमीटर ऑफ वेल है हमारा टेन मीटर तो रेडियस कितना हो गया रेडियस ऑफ वेल हो गया हमारा डायामीटर का आधा दैट इज दिन डिवाइडेड बाय टू फाइव मीटर आ गया और हाइट कितनी दे रखी है वेल की हाइट ऑफ वेल दे रखा है हमें दैट इज फोर्टीन मीटर राइट आगे क्या कह रहा है एक चीज और दी हुई थी हमें देखिए विड्थ दी हुई है एम्बैंकमेंट की विड्थ दी हुई है फाइव मीटर ऑफ एम्बैंकमेंट दे रखी है फाइव मीटर राइट तो इसका मतलब ये जो विड्थ है वो फाइव मीटर दे रखी है तो अब हम वॉल्यूम निकालेंगे सबसे पहले तो वॉल्यूम ऑफ वेल कितना आया जो कि होता है पाई आर स्क्वायर एच पाई की वैल्यू ट्वेंटी टू अपॉइंट सेवन आर था हमारा फाइव और एच था हमारा फोर्टीन तो ये आ गया सेवन टू ज़ा फोर्टीन तो कितना आ गया फाइव टू ज़ा टेन एंड फाइव इंटू ट्वेंटी टू इज़ हंड्रेड एंड टेन तो वन वन ज़ीरो ज़ीरो मीटर क्यूब आ गया हमारा कि इस सिलेंडर में से कितनी मिट्टी निकली वो आ गई हमारी राइट right? अब हमने उसकी वर्थ पता है कि इतनी चौड़ी लगाई है तो हमने हमें पता है कि ये फाइव मीटर लगाई है तो फाइव मीटर ये देखिए यहाँ से यहाँ तक कि फाइव मीटर चौड़ी है तो टोटल रेडियस कितना हो गया एम्बैंकमेंट का ये फाइव मीटर चौड़ी है तो इसका मतलब ये देखिए ये ऐसी दिख रही है तो अगर मैं कहूँ ये वाली वर्थ फाइव मीटर है तो हमारा रेडियस कितना हो गया यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट से यहाँ तक का इंटरनल रेडियस और यहाँ तक का एक्सटर्नल रेडियस और ये विड्थ हमें पता है फाइव है और ये अंदर की विड्थ हमें पता है जितनी वेल well की थी वो है तो हमारा इंटरनल रेडियस हो गया इंटरनल रेडियस हुआ हमारा कितना जितना का वेल well का रेडियस था इक्वल टू रेडियस ऑफ वेल तो वो था हमारा फाइव मीटर और एक्सटर्नल रेडियस कितना आ गया एक्सटर्नल रेडियस आ गया जितना रेडियस वेल का था मतलब इंटरनल रेडियस इंटरनल रेडियस प्लस विथ प्लस विथ ऑफ एम्बैंकमेंट एम्बैंकमेंट राइट देखिए एक्सटर्नल रेडियस क्या आ जाएगा ये वाली रेडियस प्लस ये जो विड्थ थी फाइव मीटर की क्योंकि हमें दी हुई है फाइव मीटर की है तो हमारा ये कितना आ गया एक्सटर्नल रेडियस फाइव मीटर प्लस फाइव मीटर दैट इज टेन मीटर का हो गया एक्सटर्नल रेडियस अब हम वॉल्यूम निकाल लेंगे एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम कौन सा निकालेंगे देखिए ये जो ये जो आ रहा है जो हमारी दीवार खड़ी हुई थी वो वाला वॉल्यूम निकालेंगे कैसे निकालेंगे एक्सटर्नल वॉल्यूम में से अगर इंटरनल वॉल्यूम माइनस कर देंगे तो ये वाला पार्ट आ जाएगा तो हमने कहा वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट आया हमारा एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम अब एक्सटर्नल और इंटरनल क्या होगा पायर स्क्वायर ही होगा एच लेकिन आर क्या होगा एक्सटर्नल का और पाए आर स्क्वायर एच ही होगा लेकिन इंटरनल का वॉल्यूम तो ये कितना आ गया हमारा पाए और एच कॉमन है एक्सटर्नल रेडियस कितना है एक्सटर्नल रेडियस है हमारा टेन मीटर टेन का होल स्क्वायर और इंटरनल है हमारा फाइव का होल स्क्वायर राइट तो ये आया पाए इंटू एच टेन का स्क्वायर इज हंड्रेड और फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव तो ये आ गया सेवेंटी फाइव पाई एच मीटर क्यूब राइट अब हमें पता है कि हमने उतनी ही मिट्टी चारों तरफ फैलाई थी जितनी कि हमारी इस वेल well में से निकली थी तो इसका मतलब इसका वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ वेल किसके इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट के इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ वेल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट इक्वल होगा क्योंकि उतनी ही चौड़ी दीवार बनाई गई है जितना हमारा वॉल्यूम जितनी हमारी मिट्टी निकली है वॉल्यूम कितना आया था वेल well का दैट इज इलेवन हंड्रेड मीटर क्यू तो इलेवन हंड्रेड इक्वल्स टू वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट कितना आया सेवेंटी फाइव पाएच तो ये कितना आ गया 1100 हंड्रेड इक्वल्स टू सेवेंटी फ़ाइव इंटू पाई की वैल्यू 22 टू अपॉइन्ट सेवन हाइट हमें पता ही नहीं है कि कितनी ऊंची हाइट हुई वो हमें निकालनी है तो एच कितना आ गया 1100 अपनी जगह 7 मल्टीप्लाई में हो गया और 75 एंड 22 टू डिनिनेटर में चला गया तो ये आ गया इलेवन वन जलेवन जीरो ज़ीरो इलेवन टू जो ट्वेंटी टू ट्वेंटी फ़ाइव थ्री जो एंड ट्वेंटी फ़ाइव फोर ज़ा टू वन जो टू 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 ज फोर तो ये आ गया सेवन टू ज फोर्टीन अपॉन थ्री और वी कैन से दैट थ्री फोर ज ट्वेल्व ट्वेंटी सिक्स सेवन मीटर बुक में आंसर टू पॉइंट एट मीटर दे रखा है आई डोंट नो राइट आंसर इज फोर पॉइंट सिक्स सेवन मीटर लास्ट में क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है लास्ट में पूछ रहा है वॉट वैल्यू ऑफ़ द विलेजर्स इज़ रिफ्लेक्टेड हेयर क्या वैल्यू रिफ्लेक्ट हो रही है विलेजर्स की वो ये रिफ्लेक्ट हो रही है कि हम इसमें प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस करें कि जो मिट्टी हमारी वेल में से निकली है वो हम उसको यूज़ करके हम एम्बैंकमेंट बना रहे हैं जिससे कि हम हमारा जो वेल का पानी है कभी भी ओवरफ्लो बाहर ना आ सके तो हेयर वी आर यूजिंग हेयर वी आर डूइंग मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस ऑफ रिसोर्सेज हमें पता है कि हमें कभी भी रिसोर्सेस वेस्ट नहीं करनी चाहिए उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना चाहिए और वही हम यहाँ कर रहे हैं आंसर